12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के साथ एक और शख्स को लगी थी गोली। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से लगातार हम आपको खबरों में बता रहे हैं कि 12 अक्टूबर को जिस तरीके से शाम का वक्त था और बाबा सिद्दीकी को बांद्रा के इलाके में फायर किया गया था, उस फायर में करीब बताया जा रहा है कि 6 राउंड फायर हुआ था और 6 राउंड फायर के दौरान जो मिस फायर हुई थी उसमें से एक गोली जो है एक युवक के पैर में लग जाती है। युवक जो है जिसका नाम राज कन्नौजिया है, जो कि वहाँ देवी के दर्शन के लिए गया था और जब वहाँ से जूस पी करके लौट रहा था उस दौरान जब फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर हुई वो फायर में से एक मिस फायर होकर के राज कन्नौजिया के पैर में ये गोली लगी। राज कन्नौजिया ने बताया कि जब गोली उनके पैर में लगी तो उन्हें ऐसा लगा कि जहाँ जिस तरीके से आसपास पटाखे फूट रहे, क्योंकि उसी दिन जो देवी को जो है अलविदा किया जा रहा था उसे लगा कि किसी तरीके से पटाखे जो है उसके पैर में लग गया है, लेकिन जब उसके पैर से खून आने लगा और उसके दोस्तों ने उसे देखा तो तुरंत जो है उसे बाबा अस्पताल में एडमिट करवाया गया। देखिए क्या कुछ कहा राज कन्नौजिया ने, किस तरीके से पूरे घटना में उन्होंने कैसा महसूस किया कि जो जब उनके पैर में गोली लगी तो उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। फिलहाल राज कन्नौजिया का जो है इलाज चल रहा है और उसकी सर्जरी की जाएगी। राज, आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, शुरुआत से जरा बचाई बताइएगा। माता देख मतलब दर्शन करने देखने निकले थे हम लोग। उसके बाद एक जगह पर जूस जूस मिल रहा था, वहां का जूस पिए और वहां से वापस आ रहे थे तो पीछे से तो मतलब आवाज मेरे को लग माहौल ही वैसा था कि जैसे फटाके वटाके लग रहे हैं, मुझे लगा फटाके लगे हैं और मेरे पैर में मतलब मेरा पैर एकदम जम गया उस जगह पे। मुझे लगा कि फटाका पैर पे ही लग गया है, लेकिन जब देखा तो खून निकल रहा था और फिर अचानक से भगदड़ मच गई और लोग बोले कि फायरिंग हो रही फायरिंग हो रही है। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ लंगड़ाते लंगड़ाते मंदिर तक गया और प्रशासन के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे अंदर मंदिर के अंदर घुसा था और उसके बाद वो हॉस्पिटल तक लाए। बाकी हॉस्पिटल में उन्होंने पूरी हेल्प की हमारी। आपको पता चला कि गोली चली है? मुझे वही तो नहीं पता चला, क्योंकि माहौल ऐसा था कि मतलब विसर्जन का माहौल था तो फटाके ही लग रहे थे, तो मुझे लगा फटाके लगा है, लेकिन जब लोगों ने कुछ लोगों ने चिल्लाया ना कि फायरिंग हो रही है तब पता चला कि फायरिंग हो रही है। बाकी कुछ जी आपको पता था किसके ऊपर गोलीबारी हो रही है? उस बारे में तो पता ही नहीं चला क्या हुआ है, बाद में कुछ लोगों को पता चला क्या ऐसा हुआ है। थैंक यू आप देखते हैं।